हेलो गुड मॉर्निंग आज है क्रिसमस और आज मैं कंपैरेटिवली जल्दी उठी आज मैं 6:35 पे जग गई थी कल मैं नीचे सोई थी रात को क्योंकि गेस्ट सुपर सोए थे हमारे वाले रूम में और वो लोग जब गए थे ना एक डेढ़ बजे रात को क्योंकि उन्हें ट्रेन पकड़नी थी दो बजे की तो मैं सोती रही मम्मी पापा कह रहे हैं हमने तुझे बहुत उठाया बट तू उठी नहीं क्या ठीक है चलो तो अभी जस्ट मैं फ्रेशन अप हुई हूँ अभी मैंने ब्रश किया है अभी फटाफट से एक बार आ, सब सेट कर देते हैं झाड़ू लगा देते हैं उसके बाद अलमीठी के झाड़ू इज़ डन कल जैसे ताऊजी जी को पूरा हाउस टूअर दिया ना तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि अरे बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है एंड एवरीथिंग तो मेरा यू you नो know, मन कर रहा है अब कि मैं छत पे भी झाड़ू लगाया हूँ और वैसे भी आज अब जैसे वीकेंड है तो थोड़ा छत पे बैठेंगे हम लोग चारों उससे दो फायदे हैं एक ये कि हमें अच्छा लगता है दूसरा ये हमारे प्लांट्स सडनली बहुत अच्छा ग्रो करने लगते हैं अगर हम उनके आसपास घूमते रहते हैं ऐसा कुछ सो so, अभी चलते हैं छत पे झाड़ू लगाने बट वेट वर्कआउट ओके फाइन अभी ना मैं फटाफट से कल वाला जो वर्कआउट था वो कर लेती हूँ बिकॉज़ आई लव डिट बिकॉज इट्स ईजी आई एम गेसिंग एंड बिकॉज मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है आज और, और भी बहुत सारे काम हैं क्योंकि आज वैसे भी हाथों की बैंड बजने वाली है सफाई वगैरह में आ, तो कुछ भी करूं पर करूंगी अब मैं मैंने ये ठान लिया है चलो Clearly, I'm done with the workout. Wow. Can you see that? Wow. Oh. Gross at the same time. Okay. रन विथ द वर्कआउट ना ऑयल मैं छत पे जा रही हूँ झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ थोड़ा सही करती हूँ बैठने लायक आ... पौधों में पानी नहीं देना है बिकॉज़ मम्मी ने बताया कि मैंने ओवर वाटर कर दिया है उन्हें तो उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिल गया है तो तब भी पौधे मरने लगते हैं इसलिए अब मुझे हिदायत दी गई है कि मैं ना लगाऊँ पौधों में पानी वानी तो वो नहीं करूंगी बट वो बर्ड्स वाला वो वाला वो पानी भर दूंगी। और झाड़ू लगाती पहले तो उफ। तो मैं फटाफट से गई बहुत ज्यादा में छत पे झाड़ू लगाने तो देखा वहाँ एक कबूतर की सन बेदिंग चल रही है देखते ही देखते दो हो गए और एक ही मिनट में ये तीन भी हो जाते हैं <coughs> तो इनकी पूरी पार्टी चल रही थी यहाँ पे और मैंने सोचा था सूखी सूखी सी ऐसे ही झाड़ू लगा दूंगी पर ये इन्होंने ना पता है नहा लेते हैं उस वाले जो इनका बर्तन है तो सारे में पानी फैला देते हैं तो सूखी सूखी उधर तो लग नहीं पाई क्योंकि ये वाली झाड़ू से नहीं लगती ना गीले में तो उसको छोड़ छोड़ के इधर इधर की साइड मैंने सारे में लगा दी झाड़ू और उतनी गंदी नहीं थी छत क्योंकि हाँ क्योंकि ना एक दिन मम्मी और भाई ने वो कर दी थी ये जो पौधों के पत्ते वगैरह होते हैं ना इनको एक दिन साफ़ कर लिया था सूखे पत्ते वगैरह को तो उतनी गंदगी नहीं थी आज छत पे पर आ, ठीक है जो भी था वो थोड़ी बहुत धूल तो आती है और ये वाली पूरी वीडियो आ, क्लिप जो है इस वाले एंगल से वो सारी ब्लर हुई है इतनी दुख होता है यार जब यू you नो know, तुम बिना देखे वीडियो बना लो पूरी और तुम्हें लगे कि वाह क्या मस्त क्वालिटी वीडियो आई होगी छत पे क्योंकि नेचुरल लाइट में अच्छी आती है फिर बाद में देखो कि लै पूरी ब्लर थी पर ठीक है समझ तो आ रहा है ना तो मैंने ऐसे ऐसे पूरी छत पे झाड़ू लगाई उसके बाद फिर वो कबूतर वाला जो पानी वाला था वो खाली किया भाई आज तो मतलब आज तो उसके पास जाने में इतना वो हो रहा था हर सेकंड पे एक पक्षी आ रहा था नॉट जस्ट कबूतर इतने सारे पक्षी और सबको नहाना ही था आज पानी नहीं पीना था फिर वो नहाने से ना थोड़ा गंदा ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए ढंग से थोड़ा साफ किया मैंने झाड़ू झाड़ू से इतनी चिकनाई सी हो जाती है फिर जो थोड़ा पानी रुक जाता है ना छत पे वो सब साफ़ किया फिर मैं गई नीचे सारा कुछ भर भर के ओह ओके ओके मैं टाइम से उठ गई मैंने वर्कआउट कर लिया मैंने छत साफ कर ली सारे में झाड़ू लग चुकी है अभी मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि आज क्रिसमस है सबकी छुट्टी है तो थोड़ा सा फैमिली टाइम ज़रूरी है तो आई डोंट नो मुझे ना ऐसा लगता है कि अगर मतलब सबको साथ में मिलके आधा भी घंटा मिल जाए ना तो उसको वेस्ट मत करो मतलब एक तो यही बहुत कम होता है बड़े होने के बाद कि पापा मम्मी भाई और मैं सब एक साथ फ्री हूँ सब के अपने अलग अलग काम रहते हैं तो जब हमें थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना तो आई ट्राई टू एटलीस्ट आई पर्सनली ट्राई कि हम लोग साथ में बैठे कुछ भी कुछ भी करें बातें करें कुछ भी तो अभी मैं उसी लिए नीचे जा रही हूँ हाँ मेरे और भी सारे प्लान्स थे क्राफ्ट करना था और काफ़ी कुछ रीऑर्गेनाइज करना है बट वो दैट कैन वेट ठीक है अभी मैं जा रही हूँ नीचे तो जब मैं नीचे थी ना तो पापा ने फ़ोन किया मोनी की मम्मी को कि भाई वो क्या कर रहा है मोनी तो ऐसे ही पापा ने उसे कह दिया आजा हमारे यहाँ आ नहीं रहा पास्ता बन रहा है ऐसे ही बोला था जस्ट एकदम से निकल गया पापा के मुंह से बस वो तो फैल गया कि मुझे तो पास्ता ही खाना है और इसे इतना पसंद है ना पास्ता तो मतलब फिर इसके लिए फिर हमें बनाना ही पड़ा फिर हम सब ने खा लिया और भाई जब ऐसी कोई चीज़ होना इतना चटोरा है फिर नहीं सुनता मुँह भी नहीं इधर करता फिर तो बस खाने में ही लगा रहता है और पता है सर दो बार प्लेट रिफिल कराई इसे इतना पसंद है सब बहुत चटोरा है फिर उसके बाद हम लोग सब छत पे चले गए सब नहीं यार मम्मी नहीं आई थी पापा आ गए थे थोड़ी देर में बट मम्मी नीचे ही थी खाना वाना बना रही थी तो फिर मैंने इनके साथ थोड़ी देर एंजॉय किया आधा घंटे फिर मैं भी नीचे चली गई क्योंकि पोछा और वो सब सफाई करनी थी ना झाड़ू तो सुबह ही लग चुकी थी बट तो पोछा नहीं लगा था तो फिर अगर मैं नहीं जाती ना थोड़ी भी और देर नीचे पंद्रह मिनट भी तो भी मम्मी शुरू हो जाती फिर और फिर यहाँ पे मैं ये जो मैंने भंगार इकट्ठा किया हुआ है छत पे थोड़ा बहुत जिससे मैं डी करती हूँ तो ये ऑयल के कैन्स होते हैं ना जो बड़े वाले कनस्तर कहते हैं हम लोग तो इन्हें कैनिस्टर होते हैं ना इंग्लिश में वो तो मैंने कुछ आइडिया सोचा तो है अब देखते हैं कब होगा उसके बाद आई हैड लंच ये शिमला मिर्च और आलू मुझे नहीं पसंद ये नहीं खाए बाकी हेलो यार बड़ा ग्लोई ग्लोई माथा लग रहा है ना <laughs> शायद लाइट की वजह से हाँ ऑफकोर्स तो मैं लंच के बाद अब कुछ भी शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं ना अपने फ़ोन से नहीं शूट करती मेरा फ़ोन थोड़ा बाबा आदम के ज़माने का है मतलब है तो वही अरे अरे यार ये वाला है सैमसंग का कुछ तो है मुझे मॉडल भी नहीं पता ऑनेस्टली कुछ नहीं पता तो इसमें मेमोरी नहीं है उतनी तो वीडियोस बन नहीं पाती प्लस क्वालिटी भी थोड़ी वैसी है तो मैं मम्मी का फ़ोन यूज़ करती हूँ क्योंकि अब भाई मुझे अपना फ़ोन नहीं यूज़ करने देता भाई क्योंकि उसके चैनल का भी रहता है ना स्टफ़ तो सब मिक्स हो जाता है आ, तो मैं मम्मी के फ़ोन से करती हूँ और मम्मी का फ़ोन आज था नहीं मम्मी पापा को बाहर जाना रहता है सैटरडेज़ को तो वहाँ गए थे तो आ, लंच तक का तो मैंने दिखा दिया था उसके बाद यार मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मेरे पड़ोस में से मुझे कोई सुन रहा है बहुत और खिड़की ने कवर की अब तक चलो ठीक है इधर उधर बहुत भड़कती हूँ मैं बातों में <coughs> तो मुझे क्या कहना था हाँ लंच किया था मैंने उसके बाद आ, सब चले गए घर से फिर मैं थी बस घर पे और फिर मैंने अपना वो डी वग़ैरह कंप्लीट किया वो जो मैं वो ऐसे वाला सेमी सर्कल वाला वो बना रही थी ना पॉट वो आज मैंने सिक्सटी परसेंट सा कंप्लीट कर दिया है उसको ना ड्राई होने में टाइम लगता है एक्चुअली तो तुम उसे एक दिन में नहीं पूरा बना सकते तो इट विल टेक सम मोर डेज़ ऐसे अभी शायद उसे एक दिन और स्ट्रक्चरिंग में ही लगेगा फिर उसके बाद उसे सुखाना है फिर उसके बाद उसे सैंडिंग करनी है फिर पेंट करना है ऐसे तो लंबे प्रोसेस होते हैं इनके बट हाँ ठीक है वो किया मैंने और एक बहुत पुराने प्रोजेक्ट्स थे वो भी आ, छोटे छोटे ऐसे सजाने की चीज़ें हैं वो कंप्लीट की और एक खराब भी कर दी ठीक है तो शाम मेरी इसी चीज़ में गई उसके बाद अभी डिनर डिनर किया डिनर में क्या था दाल बनाई थी हाँ सबको ऐसे हो रहा था कि क्या बनाएं क्या बनाएं मम्मी भी थक गई थी बाहर से आके तो फिर दाल रोटी खाई और सब्ज़ी भी रखी हुई थी दोपहर वाली तो वो भी खाई और हाँ अभी बच चुके रात के पौने दस तो अभी मैं जस्ट एडिटिंग लेके बैठूंगी दस बज जाएंगे ये क्लिप शूट करने के बाद तो आज की वीडियो का नहीं पता लग रहा थोड़ी जल्दी करूँगी एडिट आज क्योंकि सैटरडेज को मेरी एनर्जी थोड़ी कंपेरेटिवली हाई रहती है ऑल्सो तुमने लास्ट वीडियो पे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं कि माई ब्लॉग्स आर एडिक्टिंग एडिक्टिंग हो तुम लोग मतलब पता है एक बात सच्ची सच्ची बताओ यार मुझे पक्का कोई सुन रहा है छोड़ो हाँ पता है एक बात बताती हूँ जितनी अब मैं रेगुलर हो रही हूँ ना मतलब मेरा नहीं वर्कआउट करने का मन कर रहा पर मैं फिर भी कर रही हूँ उसका रीज़न क्या है कि मैं भाई मुझे पता है मेरे को देख के और भी लोग मतलब क्या वर्ड यूज़ करूँ कि जैसे एक दूसरे को देख के वो नहीं होते मोटिवेट नहीं हो जाते तो मुझे पता है उस बात का मैं भी हो जाती हूँ सबको देख के ऐसे यूट्यूब पर तो उस वजह से भी ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं रेगुलर हो पा रही हूँ किसी भी चीज़ में सो आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल्सो हाँ भूमि मैंने तुम्हारा भी कमेंट पढ़ा कि आ, उनका ये डाउट था कि मैं रोज़ रोज़ नया वर्कआउट क्यों कर रही हूँ मैं एक ही क्यों नहीं कर रही जैसे क्लोइटिंग का कोई भी एक ही वीडियो क्यों नहीं कर रही यार मैं बोर हो जाती हूँ मैं कैसे समझाऊँ मैं ये बात मैं मैं नहीं कर सकती एक वर्कआउट नहीं होता मुझसे बेशक मतलब एक इंसान का करा लो अब जैसे क्लोइटिंग है तो उसके कितने सारे हैं ना तो कोई भी रैंडमली चला चला के कर लूँगी बट एक ही वीडियो हर रोज़ पता क्या बात होती है जैसे डे वन में ठीक है तुम्हें तो अच्छा लगेगा वर्कआउट अच्छा इन द सेंस कि मुश्किल लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली वो तुम्हारा डे वन है फिर तुम वही करते रहते हो करते रहते हो करते, हो, करते रहते हो ना फिर वो आसान हो जाता है एज़ मच एज़ आई हेट वर्किंग आउट मुझे वो दर्द होना वर्कआउट के बाद एंड यू नो फील होते रहना कि हाँ आज तो मस्त एकदम वर्कआउट किया तगड़े वाला वो फीलिंग मुझे बड़ी पसंद है तो इसलिए आई कीप ऑन चेंजिंग द वर्कआउट ऑल्सो मैं बोर नहीं होना चाहती तो यही रीज़न है यार मुझे एक पे नहीं रहा जाता वैसे आज की वीडियो में देखा होगा जो मैंने कल किया था वही आज किया बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट था और, और बहुत सारे काम करने थे कल वाला वर्कआउट मुझे ईजी लगा था बट रोज़ रोज, रोज सेम नहीं जैसे मंडे को मुझे पता है मतलब मुझे वीकडेज़ में कुछ ना कुछ नया चाहिए ऐसा मुझे लगता है तो आई थिंक यही रहेगा मेरा कि मैं एक वर्कआउट से तो नहीं संतुष्ट रह पाऊंगी तो मुझे बदलने ही पड़ेंगे ओल्सो तुम लोग हाँ कितने सारे लोग मेरे साथ अंजना है ना अंजना भी मतलब हम दोनों ने एक दिन से ही वर्कआउट करना स्टार्ट किया तो ये भी बड़े मस्त चीज़ है और तो इसमें भी मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि मेरे साथ साथ भी कोई वर्कआउट कर रहा है कमेंट्स पढ़ के अच्छा लगता है मुझे और मैं इस बार काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से कंसिस्टेंट होना यूट्यूब पर हाई मैं खुद ही ना नज़र लगा दूँ तू 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 चलो अभी आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अब मुझे बंद करना चाहिए और एडिट करना स्टार्ट करना चाहिए दस बज चुके हैं कल है संडे कल मोस्ट प्रोबेबली छोले भटूरे बनेंगे <laughs> चलो देखते क्या यार इतना चमक कैसा रहा है यार ये क्या है <laughs> अभी मैं एडिटिंग करूँगी उसके बाद मैं कुछ तो देखूँगी कोई मूवी या कुछ सीरीज़ फिर मैं सोऊंगी आज गुड नाइट बाय बाय थैंक यू